जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा एक मतदान हमारे लिए कितना फायदेमंद या नुकसानदायक हो सकता है। तो इसी बीच आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान में रखकर मतदान करें। किसी भी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं जो कि एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए, जैसे बिजली, पानी, सड़कों और फुटपाथों की साफ सफाई व सुरक्षा तथा इसके साथ तमाम अन्य मूलभूत सुविधाओं का एक आम नागरिक भारत के संविधान के अनुसार हकदार है। लेकिन क्या उसको ये मूलभूत सुविधाएं हकीकत में मिल पा रही हैं? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए आपके द्वारा चुने गए जन प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं या आप खुद जिम्मेदार हैं? क्या कभी आपने इन सब पर विचार किया है कि आपका जन प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? क्या आपके द्वारा चुना हुआ जन प्रतिनिधि पढ़ा लिखा है? क्या आपके द्वारा चुने गए जन प्रतिनिधि ने आपकी समस्या सुनकर उनका समाधान किया है? क्या आपकी कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट बिल्कुल सही रहती है? क्या आपकी कॉलोनी में नालों की साफ सफाई नियमित अंतराल पर होती रहती है? क्या आपके पार्कों में बैठने के लिए बेंचे हैं? बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त संख्या में झूले लगे हुए हैं? क्या पार्कों की साफ सफाई नियमित रूप से होती है? क्या आपकी कॉलोनी में कोई लाइब्रेरी है जिसमें से पुस्तक लेकर आप लोग पढ़ सके और बुजुर्ग पुस्तक पढ़कर अपना समय काट सके? क्या आपकी कॉलोनी में किचन वेस्ट का डीकम्पोज करने के लिए पिट बनाई गई है ताकि उससे बनने वाली खाद का पार्कों के बगीचों में इस्तेमाल किया जा सके? क्या आपकी कॉलोनी में जल सुरक्षा के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है? क्या आपकी कॉलोनी में चोरी डकैती या राजनी की कोई वारदात नहीं होती है? और होती है तो क्यों? क्या आपकी कॉलोनी में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं? क्या आपकी कॉलोनी में कोई भी कबाड़ी या फल सब्जी वाला बिना पहचान पत्र के आ जा सकता है? क्या सुरक्षा गार्डों द्वारा कोई रोक टोक नहीं होती है? क्या कॉलोनी में सभी गाड़ियों को स्टिकर प्रदान किए गए हैं? क्या कोई व्यक्ति या कोई भी गाड़ी बिना किसी रोक टोक के आसानी से आ जा सकती है? क्या आपकी कॉलोनी में मेन रोड तक जाने के लिए कोई ई रिक्शा मौजूद है ताकि बुजुर्ग एवं महिलाओं को सुविधा हो? क्या आपकी कॉलोनी में फर्स्ट एड के लिए कोई इमरजेंसी मेडिकल सेंटर बना हुआ है जिसमें इमरजेंसी के वक्त लोग अपना इलाज करा सके? क्या आपकी कॉलोनी में कोई सामुदायिक केंद्र या कम्युनिटी सेंटर है जिसमें आप लोगों के लिए छोटे मोटे कार्यक्रम आयोजित हो सके? क्या आपकी कॉलोनी की सड़कें गड्ढा मुक्त हैं एवं नालों और नालियों के पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था है ताकि मच्छर ना पनपे और गंदगी ना हो? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने सवाल क्यों पूछ रही हूँ, तो चलिए आपको बता देते हैं। आप खुद सोचिए, पिछले कई सालों में आपके द्वारा चुने गए जन प्रतिनिधि ने आपको क्या दिया है या आप उसको चुनने जा रहे हैं वो आपको ये सब दे सकता है? इसलिए अपना कीमती वोट को देने से पहले अभी तक बताए गए सभी बिंदुओं पर ठीक से विचार करें और मतदान करें। अपने वोट को व्यर्थ ना जाने दें तथा जात पात या धर्म में या राजनीतिक पार्टी के दबाव में अगले 5 सालों के लिए अपने आप को अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को बंधक ना बनने दें। धन्यवाद।